डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर नंबर 2 जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आयन, मॉलिक्यूलर आयन, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड आइसोटोप्स। तो सबसे पहले आयन क्या चीज है? दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव आर नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। यानी वो तमाम स्पीशीज जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इनको आयन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये है हमारे पास कोई एटम ए, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है ये आयन कहलाएगी, लेकिन ये आयन की एक खास किस्म है जिसको हम केटायन कहते हैं। अब क्योंकि जब भी किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी जो है वो उस एटम को मुहैया करनी पड़ती है, लिहाजा ये जो प्रोसेस होता है सारे का सारा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे के सारे केट आयन हैं, एन ए पॉजिटिव, के पॉजिटिव, सी ए पॉजिटिव 2, ए एल पॉजिटिव 3। तो अगर हम कहें तो इनके ऊपर बिलतरतीब +1, +2 और +3 चार्ज मौजूद है। उसके बाद हम आते हैं दूसरी टाइप के ऊपर कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन जिस तरह यहां पर लूज हुआ था, लूज करने की बजाय इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो ये भी आयन ही बनेगा, लेकिन अब की दफा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से जो आयन बनेगा उसको हम कहते हैं एन आयन। तो एन आयन क्या है? ए नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एन एन आयन। नेगेटिव आयन इज फॉर्मड व्हेन न्यूट्रल एटम पिक्स अप वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये उसकी हमने एक जनरल सी एग्जांपल देखी। तो जिस तरह यहां पर हमने कहा कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जजब होने की बजाय खारिज होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं इस नेगेटिव आयन की, एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, एस नेगेटिव 2। The cations and anions possess altogether different properties from their corresponding neutral atoms. There are many examples of negative ions which consist of group of atoms. यानी ये जो हमने पढ़े हैं ये सारे अकेले अकेले हैं। इसी तरह ये जो पॉजिटिव वाले थे वो भी अकेले अकेले हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि कुछ एटम जो ग्रुप्स की फॉर्म में, जैसे यहां पर आप देखें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये बन गया ग्रुप ऑफ एटम। अब आपको पता है मोस्टली हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो जब हम दोनों का कंबाइंड करेंगे तो -2 + 1 हो गया -1, इसलिए OH के ऊपर माइनस चार्ज जो है वो शो हो जाता है। इसी तरह कार्बोनेट है, सल्फेट है, फास्फेट है, ये सारे के सारे
ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो के नेगेटिव आयन्स बनाते हैं। जो पॉजिटिव आयन ग्रुप ऑफ एटम्स की फॉर्म में हैं, उनकी एग्जांपल्स हमें बहुत कम देखने में मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने जो आपके लिए एग्जांपल रखी है वो है NH4 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन है और चार हाइड्रोजन हैं, तो नाइट्रोजन -3 होती है, हाइड्रोजन +1, तो चार हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पर +4 आ गया। एंड सम कार्बोकेटायंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अलावा हमें इसकी कुछ एग्जांपल्स कार्बोकेटायंस की फॉर्म में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलती है। उसके बाद है जी मॉलिक्यूलर आयन। द आयन फाउंड बाय द लूज आर गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। यानी अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो, जैसे CH4 मीथेन गैस है, इसका एक मॉलिक्यूल CH4 होता है, तो अगर ये गैस आप किसी जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसमें इस गैस को भर दें और इस गैस के ऊपर अल्फा पार्टिकल, एक्सरे या हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गिराएं, तो तब जो पॉजिटिव चार्ज है ज़्यादातर या कभी कभी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्योंकि जो भी हम उसमें गैस लेंगे, जैसे CH4 एक गैस है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो जब गैसों के ऊपर हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या एक्सरेज की बम्बार्डमेंट की जाती है, तो उसके नतीजे में उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं गैसों के, जब उनके ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो इसकी एग्जांपल्स हैं CH4 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव 1, O2 नेगेटिव 2। नेक्स्ट टॉपिक है जी रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ पर मास का लफ्ज़ जो है वो मिसिंग है। तो द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जब भी किसी भी एलिमेंट के मास को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके हम उसका मवाजना करके उसका मास निकालते हैं, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। On carbon 12 scale, the relative atomic mass of carbon is 12 AMU. AMU का मतलब है atomic mass unit. And the relative atomic mass of hydrogen is 1.0078 AMU. The unit used to express the relative atomic mass is called atomic mass unit. Atomic mass unit क्या होता है? कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, और 1 AMU जो है ये 1.66 × 10⁻²⁷ kg या 10⁻²⁴ g यानी ग्राम के इक्वल होगा। अब जिस तरह आपको पता है एटम बहुत छोटा होता है, उसको तो हम देख भी नहीं सकते, देखने के लिए भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, इसी तरह एटम का जो मास है वो फाइंड करने के लिए भी हमें फिर किसी रिलेटिव स्केल का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए कार्बन 12 को चूज किया गया है। तो जब भी हम किसी एलिमेंट के मास को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकालेंगे तो वो उस चीज का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। उसके बाद है जी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज आर कॉल्ड आइसोटोप्स एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोटोपी। यानी किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक
नंबर सबका सेम हो लेकिन एटॉमिक मैस जो है वो डिफरेंट हो, इन सब को एक दूसरे के आइसोटोप कहा जाता है। ये उस एटम के आइसोटोप होते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन जो है, आप देखो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। अगर आप देखो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सब में 1, 1 और 1 होगा। एटॉमिक नंबर दरअसल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। अब ये 1, 1, 1 क्यों है? क्योंकि सबके न्यूक्लियस में देखो एक एक प्रोटॉन है, इसको P से जाहिर किया, तो इसका मतलब है दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। लेकिन जब आप देखते हैं एटॉमिक मैस, तो एटॉमिक मैस होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो जब आप न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करें तो यहां पर देखें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, तो यहां पर 1 आ गया। यहां पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो 1+1 2 हो गया। यहां पर दो न्यूट्रॉन हो गए, 1+1+1 तो ये 3 हो गया। इसका मतलब है कि ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम जो हैं, ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं जो सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक मैस रखते हैं। द फिनोमिना ऑफ आइसोटोपी वाज डिस्कवर्ड बाय सोडी। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट पोजेसेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो आइसोटोप्स होते हैं इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ही तरतीब दिया गया है, लिहाजा सारे आइसोटोप्स को एक ही जगह पर एक ही रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिली हुई है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन देखें सबके अंदर सेम है, एंड इलेक्ट्रॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सब के अंदर देखें एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, फर्क कहां पर है? न्यूट्रॉन्स में, इधर 0 है, इधर 1, इधर 2 हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर न्यूक्लियस। आगे है जी इसकी एग्जाम्पल्स। तो कार्बन का हमें पता है कार्बन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, 6, 12, 6, 13, 6, 14। इसी तरह हाइड्रोजन को अभी आपने पढ़ा H11, H12, H13, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो इसी तरह ऑक्सीजन के 3 होते हैं, निकल के 5 होते हैं, कैल्शियम के 6 होते हैं, पैलेडियम के भी 6 होते हैं, कैडमियम के 9 और 10 के 11 आइसोटोप्स होते हैं। अब ये जो एंड वाली दो लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहां से अक्सर एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए कि 10 के कितने आइसोटोप्स होते हैं, तो 10 हैज 11 आइसोटोप्स। नेक्स्ट है जी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स का तो हमने पढ़ लिया, अब हमने ये देखना है कि कौन सा आइसोटोप जो है वो कितनी परसेंटेज के अंदर कायनात में पाया जाता है, ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप कहलाए। तो द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू अदर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। तो रिलेटिव अबंडेंस को किस चीज से चेक करते हैं? मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से। ये एक टेक्निक है जो कि हम आगे जाके स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहां पर हमें एक टेबल दिखाया गया है, इस टेबल में देखें कि हाइड्रोजन जो है उसका जो प्रोटियम है वो 99.985% पाया जाता है कायनात में। इसी तरह जो H12 है ये 0.15 है, और यहां तीसरा इसका आइसोटोप नहीं लिखा क्योंकि वो रेयर पाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए उसकी इंतहाई कम मिकदार होती है, कोई
हजारों रिएक्शंस होते हैं, तो उन रिएक्शंस के बाद उसकी मामूली सी मिकदार जो है वो कभी कभार फाइंड होती है। इसी तरह कार्बन के यहाँ पर उसी तरह दो मेजर आइसोटोप दिखाए हुए हैं 612 एंड 613। जो कार्बन 14 होती है वो रेडियोएक्टिव होती है, ठीक है, कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, आपको पता है, तो वो भी बहुत कम मिकदार में। इसी तरह नाइट्रोजन के लिखे हुए हैं ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो ये है इनकी रिलेटिव अबंडेंस कि कौन सा आइसोटोप कायनात में कितने परसेंट पाया जाता है। एट प्रेजेंट देयर आर अबव 280 डिफरेंट आइसोटोप्स दैट अकर इन नेचर। यानी अभी अगर आप देखें तो तकरीबन 280 के करीब आइसोटोप्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं। दे इंक्लूड 40 रेडियोएक्टिव आइसोटोप एज वेल, और इनमें 40 जो हैं वो रेडियोएक्टिव हैं। बिसाइड दीज अबाउट 300 अनस्टेबल रेडियोआइसोटोप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। इनके अलावा 300 ऐसे हैं जिनको लैबोरेटरीज के अंदर खुद तैयार किया गया है आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के जरिए। इन जनरल द एलिमेंट ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट नेवर पोजेस मोर देन टू स्टेबल आइसोटोप। और ये बात भी देखने में आई है कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ऑड हो, यानी जो दो पर तकसीम ना होता हो, उनके कभी भी दो से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप नहीं होते। The elements of even atomic number usually have large number of isotopes, and isotopes whose mass number are multiple of 4 are particularly abundant. इसी तरह जो even वाले हैं, यानी जो दो पे तकसीम होते हैं, वो ज्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं कायनात में, लेकिन उनमें भी जो multiple of 4 होते हैं, यानी 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है, जिनका मैस नंबर इस रेंज में होगा मल्टीपल ऑफ 4, वो ज्यादा कसरत में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40, आयरन जो है 56 है, ये सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 4 हैं। फॉर नियरली 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट आउट ऑफ 280 आइसोटोप दैट अकर इन नेचर 154 have even mass number and even atomic number. तो टोटल हमने पढ़े थे 280. अगर आप 280 का हाफ करें तो वो 140 होता है। तो देखो जो even वाले हैं ना, जिनका atomic number और mass number even है, वो 154 हैं। और यही बात हमने कही थी कि even atomic number वाले ज्यादा पाए जाते हैं। The elements like arsenic, fluorine, iodine and gold have only a single isotope. They are called monoisotopic elements. तो ऐसे elements जिनका सिर्फ एक ही stable isotope हो, single isotope हो, वो कहलाते हैं monoisotopic elements. Thanks.